अमनदीप सिंह वड़ैच हमारे साथ हैं और क्या विशेष प्रोग्राम है, क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की, वो जानेंगे। सर बताइएगा। पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मीडिया साथियों का धन्यवाद करता हूँ और हमारे शीर्ष नेताओं का जो आज यहाँ पर मीटिंग हुई उनका या संध की धरती पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। हमारा संगठन के सेकंड राउंड की मीटिंग थी, जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें हमारे कार्यकर्ता आए, उसके बाद और कार्यकर्ता बढ़े। आज सेकंड राउंड की मीटिंग है जिसमें आपने देखा कि कोई भी चेयर खाली नहीं थी। आज कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह के साथ हैं। हमारी जो तैयारी है, एक से डेढ़ महीने के अंदर हम लोग पूरे हरियाणा का संगठन बना रहे हैं और असंध का संगठन एक महीने के अंदर बन जाएगा, जो कि बूथ लेवल पे हर बूथ के ऊपर 5 आदमियों का मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। हाँ, तो कितने व्यक्ति हो टोटल जो बनेगा आपका बूथ ऑल हरियाणा की बात करें? आल हरियाणा में तकरीबन 8 से 10 हज़ार व्यक्ति हैं जो हमारे संगठन में एक से डेढ़ महीने में। जिला परिषद की तैयारियां कैसे? बिल्कुल, जिला परिषद की तैयारियां हैं। जिले से काफ़ी लोगों ने जो इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी को अपना पत्र दिया है, एप्लीकेशन दी है, उनमें से चूज करेंगे जो बिल्कुल स्पष्ट, ईमानदार और साफ छवि का, जिसको जनता पसंद करेगी, उस कैंडिडेट को उतारा जाएगा। उम्मीद है कुछ लोग चुने जाएंगे? बिल्कुल जी, आज लोग बीजेपी से बहुत तंग, 2024 से पहले आज लोग बीजेपी से बहुत ज़्यादा तंग हैं। आप देखो, हर महीने बिजली का बिल आने लग गया, जो कि 2 महीने बाद आता था। आज बिजली के बिल का आप समझो कि सिर्फ एक घर में एक कूलर और एक पंखा, जो कि काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि सर हमारी आवाज़ उठाओ, सर हमारी आवाज़ उठाओ, भाई साहब हमारी आवाज़ उठाओ, कि 2700, 3000, 3500 बिल एक गरीब आदमी कहाँ से भरेगा, जो मजदूरी करने वाला कहाँ। तो दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, जो जनता का पैसा है। जैसे कि हमारे शीर्ष नेताओं ने भी बताया अभी आपको कि हम सोते हैं तब भी टैक्स देते हैं, हम सुबह उठते हैं चाय पीते हैं चाय पत्ती पे भी टैक्स दिया, हमने चीनी पे भी टैक्स दिया, जो इस बर्तन में चाय बन रही है उस पे भी टैक्स, जो इस चूल्हे को आप जला रहे हो उस पे भी टैक्स, हर चीज का सुबह से लेके पानी की बोतल पीते हो उस पे भी टैक्स है। तो क्यों ना उस टैक्स के पैसे से इस गरीब जनता को भी बिजली फ्री नहीं दी जा सकती? ये सरकार से बहुत, जनता से मेरी बिल्कुल हाथ जोड़ के, असंध की जनता से, पूरे हरियाणा की जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि आप इस बीजेपी के षड्यंत्र से बाहर निकलिए और आप अपने टैक्स के पैसे से, अपनी जिम्मेवारी समझ के, आम आदमी पार्टी के साथ लग के अपनी सुख सुविधाएं, जो भी हमारा हक बनता है, जो कि फॉरेन देश में सरकार प्रोवाइड कर रही है, हमारे देश में सिर्फ जनता का पैसा नेता खा रहे हैं। बाहर के देशों में आप जाके देखिए, कहीं भी सारी चीज़ें फ्री हैं, वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, वहाँ की आप गैस की सिस्टम देख लीजिए, हर चीज़ को आप जाके देख सकते हैं कि वो सरकारें दे रही हैं। आज वो देश आज इसीलिए विकसित हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जो भारत के नज़दीक भी नहीं थे, आज भारत जो है उनसे पिछड़ चुका है। आम आदमी एक ऑप्शन है? हाँ जी, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है और इसके साथ लग के मैं जनता से अपील करूँगा कि सरकार बनाएं, 2024 में भी सरकार बनाएं, ताकि हम अपनी मूलभूत सुविधाएं ले सकें। धन्यवाद। देखिए, आज संगठन निर्माण को लेके ये हमारी दूसरी बैठक असंध में थी और पूरे प्रदेश के अंदर हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारी योजना ये है कि हर विधानसभा में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल करके दो दो बैठक हम कर रहे हैं। पहली बैठक में हम अपने सब साथियों को कहते हैं कि अगर कोई साथी छूट गया हो तो दूसरी बैठक में लेकर के आए, उनसे राय शुमारी करते हैं कि कैसे बनाना चाहिए संगठन, और दूसरी बैठक में हम फाइनल गाइडलाइंस जारी करते हैं कि कैसे संगठन का निर्माण होगा, क्या क्या काम आप लोगों को करने हैं, किस तरीके से काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिम्मेदारियाँ बांटी जाएंगी, और उसके बाद हम सारे इस पूरे सिस्टम को कंपाइल करके एक महीने से डेढ़ महीने के अंदर हम पूरे हरियाणा का संगठन अनाउंस करेंगे, जिसमें हमारे 8 से 10 हज़ार तक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी अलग अलग तरीके के काम की, और वो एक मजबूत संगठन होगा जो 2024 में बदलाव की नींव रखेगा। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का ये संगठन जो अब बन रहा है, ये 2024 में सरकार लेकर के आएगा। सर, दिल्ली में जिस तरह से सरकार आई, केजरीवाल जो सरकार लेके आए, दोबारा फिर केजरीवाल जी लेके आए, उसी पैटर्न के आधार पर संगठन को बढ़ाया जा रहा है या अन्य कोई तरीका? सर,
नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में तजुर्बा रहा 3 बार के हमारे चुनाव का, और जो पंजाब के चुनाव का हमारा तजुर्बा रहा, उसी के आधार पर गुजरात में हमने संगठन बनाया है, उसी के आधार पर हम हरियाणा में संगठन बना रहे हैं। हम अपने काम करने के तरीके से सीख कर, अपने तजुर्बे से सीख कर एक हमने फार्मूला बनाया जिसके आधार पर हम संगठन बनाते हैं, ताकि संगठन के सब साथी मिलजुल के काम कर सकें, संगठन में पूरी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन हो सके और हर कोई अपनी जिम्मेदारी मजबूती से निभा सके। उसी रणनीति के तहत यहाँ पर हरियाणा में भी संगठन तैयार किया जा रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी के बाद आप पार्टी ऐसी पार्टी उभर कर आई है जिसको आम जनता उनके भविष्य को देखने लगी है, कांग्रेस को पीछे छोड़ करके आप पार्टी विकल्प बन रही है, कांग्रेस की जगह विकल्प आपने ले ली है, तो सर क्या मानते हैं कि आप पार्टी आगे मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी? देखिए, बीजेपी का मुकाबला नहीं, बीजेपी को हराएंगे हम लोग, और बीजेपी को इसलिए हराएंगे क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीद से, कांग्रेस ने 75 साल में परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं किया, अपने अपने नेताओं ने अपने अपने परिवारों को बहुत ज़्यादा लूट मचाने के अलावा, अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। उससे त्रस्त होकर लोगों ने एक नई सरकार चुनी थी, बीजेपी की सरकार चुनी थी, एक विचारधारा में उन्होंने उम्मीद देखी थी उसमें, लेकिन बीजेपी ने, पिछली 2 सरकारें जा चुकी हैं, दूसरी भी का भी समय खत्म होने को आया, लेकिन बीजेपी ने दोस्तवाद के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के परिवारों को आगे बढ़ाती थी, उनके लिए पैसा कमाते थे, लेकिन बीजेपी अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 2-2, 2.5-2.5 लाख करोड़ रुपये के लोन दे देते हैं अपने दोस्तों को, लोन माफ़ कर देते हैं लाखों करोड़ रुपये के, 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ रुपये लेके इनके दोस्त विदेश भाग जाते हैं। ये सारा काम अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं सिर्फ, इसलिए ये इससे परिवारवाद से और दोस्तवाद से लोग त्रस्त आ चुके हैं। अब उनको एक उम्मीद दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल जी भारतवाद के लिए काम कर रहे हैं, हर आदमी के लिए काम कर रहे हैं, हर आदमी को सुविधा देने के लिए, मूलभूत सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, अच्छे अस्पताल बनाने का काम कर रहे हैं, और विकसित देश भारत सिर्फ उसी से बन सकता है। वरना तो हम बचपन में भी यही पढ़ते थे कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा, हमारे बच्चे भी आज वही पढ़ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। और अगर बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से आप चलते रहोगे तो फिर उनके बच्चे भी आगे जाके यही पढ़ेंगे। इसको हमें बदलना है, भारतवाद लाना है, मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचानी है, ताकि भारत जल्द से जल्द विकसित देश बन सके। सर, क्या मानते हैं मोदी सरकार है जो अपने दोस्तों को, आपने नाम लिया, मैं दोस्त पे फॉलो करूंगा सर, दोस्तों की तरह सर वो इलेक्शन में फंडिंग देते हैं करोड़ों रुपया, उनके दोस्त मोदी सरकार को मुहैया कराते हैं, यदि उसके बदले में यदि मोदी सरकार उनका कुछ फायदा कर रहे थे, आप पार्टी को क्या दिक्कत है? नहीं, वो पैसा किसका है? वो पैसा मोदी जी के घर का थोड़ी है, वो पैसा मोदी जी गांव में अपनी जमीन बेच के थोड़ी लाए थे, वो पैसा खट्टर साहब अपने खानदानी पुश्तैनी जायदाद बेच के थोड़ी लाए थे, वो पैसा हमारा और आपका टैक्स का पैसा है। उस टैक्स के पैसे से अगर वो अपने दोस्तों की मदद करते हैं, और अगर वो हरियाणा में आप देख लीजिए, अगर वो सरकारी स्कूल जिनमें कि 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो उन स्कूलों को बंद करने का काम करते हैं, तो इसका मतलब वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम करें। वोट अपने दोस्तों से क्यों नहीं ले लेते? वोट भी उनसे ले लें, वोट जनता से क्यों लेते हैं? जब वोट जनता से लेते हैं तो काम भी जनता के लिए करना पड़ेगा, और अब वो नहीं कर रहे हैं तो जनता को ये बात समझ में आ गई है कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है, और जनता अब उस विचारधारा को पूरे देश में अपना रही है, पूरे देश में। आप देखिए कि आदमपुर में हमने रैली की थी, हमको लोग ये कह रहे थे कि आदमपुर में रैली क्यों कर रहे हैं, आपने गलत जगह चूज़ कर ली, वहाँ पर कैसे आप रैली कर पाएंगे, वहाँ तो एक पुश्तैनी सीट है वो तो बिल्कुल। तो हमने कहा कि हम वहीं रैली करेंगे, और वहाँ जिस तरीके का रिस्पॉन्स था, आज के दिन में पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि आदमपुर में पिछले कई दशकों में ऐसी रैली हुई नहीं जैसी हुई। कुलदीप बिश्नोई इस हद तक बौखलाए कि शाम आते आते उनको वीडियो जारी करने पड़े, उनको बयान देने पड़े, और बयान क्या दिया? अनाप शनाप बयान दे रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हिसार और आदमपुर के लिए क्या किया। हमने कहा कि अगर कोई मूर्खता का कंपटीशन होता तो हम भी जवाब दे देते उसमें कि वो 24 साल से आदमपुर के विधायक हैं, उन्होंने कर्नाटक के लिए क्या किया, लेकिन ये कोई मूर्खता का कंपटीशन नहीं चल रहा है, वो संजीदा जगह पर हैं, वो 24 साल विधायक रहे हैं आदमपुर के, उनको शर्म आनी चाहिए अगर वो आज के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि वो हिसार और आदमपुर के लिए क्या कर रहे हैं। ये कुलदीप बिश्नोई को बताना चाहिए कि पिछले 24 साल में आदमपुर के लिए कुछ क्यों नहीं किया, वहाँ आपके साथ सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, और आज जब उनको चुनाव लड़ना है तब वो मुख्यमंत्री के पास क्यों जा रहे हैं उन स्कूलों को बचाने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए। इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी गांव वालों के साथ मिलकर उन सारे स्कूलों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। आज से पहले आपने कभी सुना था हरियाणा के अंदर कि कोई सरकारी स्कूल बंद हुआ हो, किसी ने कोई आवाज़ उठाई हो, किसी ने कोई विरोध किया हो? ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, लोग इसको अपना रहे हैं और गली गली कूचे कूचे में अपना रहे हैं। जिला परिषद उतारेंगे सर अपने
उम्मीदवार जिला परिषद के अंदर? बिल्कुल, वो हम पहले भी बता चुके हैं कि सारी जगहों पर, मेरा तो सवाल हमेशा ये रहता है कि हम तो उतारने को तैयार हैं, बीजेपी वाले उतरवाएं तो सही, चुनाव तो डिक्लेयर करें। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से भाग रही है, नगर निगम के चुनाव में देरी कर रही है, नगर निकाय के भी देरी से कराए थे, पंचायत चुनाव से डर रहे हैं, जिला पार्षद के चुनाव नहीं करा रहे हैं, आदमपुर के चुनाव में भी डिले कर रहे हैं। हम उनको चुनौती देते हैं कि आप चुनाव अनाउंस कीजिए, हर जगह पर पटकनी देंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लोग तैयार बैठे हुए हैं घर में कि कोई आए, हमको जोड़े और हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दें। पंजाब चुनाव भी जीतेंगे? देखिए, आदमपुर उपचुनाव हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। जिस तरीके का हमारा रिस्पांस है, हर गांव में आम आदमी पार्टी की चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि आज तक इन्होंने फिक्सिंग करके, ये 24 साल से जो जीतते आए कुलदीप बिश्नोई, फिक्सिंग करके जीतते आए, ये दूसरी पार्टियों के साथ सेटिंग कर लेते हैं कि आप बाहरी उम्मीदवार दे दीजिए, आप कोई सेलिब्रिटी उम्मीदवार दे दीजिए, ये कह करके, और फिर बाद में चुनाव में लोगों के पास जाते हैं कि देखो दूसरा तो बाहरी है, मैं तो फिर भी यहीं का हूँ तो मुझे वोट दे दो। आपने कभी कोई ऐसा विधायक देखा है जो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर जाता हो? आपने कभी भी ऐसा कोई विधायक देखा है जो अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरे पे जाता हो? कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में खबर छपती है कि आदमपुर के 2 दिन के दौरे पर आए कुलदीप बिश्नोई। क्यों, लंदन के विधायक हैं क्या जो वहां पे 2 दिन के दौरे पे आए हैं? वो वहीं के विधायक हैं, उनको वहां रहना चाहिए, लोगों के बीच में बात करनी चाहिए। ऐसे नेता जिनको गाड़ी से उतरने में शर्म आती है, ऐसे नेता जो गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करते अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, ऐसे नेता जिनके कपड़े गंदे हो जाते हैं भीड़ में जाने से, ऐसे नेता जो लोगों का फोन नहीं उठाते, आदमपुर इस बार ऐसे नेताओं को पटखनी देगा। आदमपुर का ही कोई आम आदमी, कोई आदमपुर का बेटा इस बार मुकाबला करेगा, कुलदीप बिश्नोई को पटकनी देगा वहां से। एक चीज और जो मैं कहना चाहता हूं, एक विषय पे मैं बोलना चाहता था आज, कि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत दुखद है, बेहद दुखद है, हमारे कई लीडर्स ने इसके ऊपर कमेंट भी किया और हमने भी उसका जवाब दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है, अगर आजादी के 75 साल बाद हम सरकारी स्कूलों पर जो बंद कर रहे हैं वो, उस पर उनको शर्म आने की बजाय अगर मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि फिजिक्स का टीचर मैथ भी पढ़ा लेगा, और अगर मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि एसएस का टीचर जो है हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ा लेगा, तो मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। ये लोग खुद, मुझे नहीं लगता कि कहाँ तक कौन कितने पढ़े हैं ये और किस तरीके की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है, लेकिन मैं इस बात के लिए निश्चित तौर पर दावा कर सकता हूँ कि ये गरीबों के बच्चों के दुश्मन है। ये पढ़ने नहीं देना चाहते, गरीबों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में वो व्यक्ति पढ़ता है, आज के दिन में जो स्थिति है सरकारी स्कूलों की, जिसको कहीं और कोई उम्मीद नहीं है, जिसको कहीं और कुछ मिल नहीं रहा, कहीं भी पैसे देने की जिसकी कुव्वत नहीं है, जो दे नहीं सकता पैसे कहीं और प्राइवेट स्कूल में, वो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। उनका जीवन बर्बाद करने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर इनको लगता है कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेगा और एक टीचर 500 बच्चे पढ़ा लेगा, तो मुझे लगता है कि इनके अपने परिवार तो है नहीं और दूसरों के परिवारों को ये बसने नहीं देना चाहते। इसलिए ये शर्मनाक हरकत थी जो मुख्यमंत्री की तरफ से कल हुई, जिस तरीके का उनकी तरफ से बयान आया। ये एजुकेशन के पूरे इतिहास में 75 साल में हमने कुछ हासिल नहीं किया एजुकेशन के फील्ड में, भारत ने बहुत कम हमारी उपलब्धि रही है, लेकिन जितनी भी उपलब्धि रही है ये उसको शर्मनाक, उसको शर्मसार करने वाला यह बयान था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए सारे लोगों से, और तुरंत सारे स्कूलों में सारे सब्जेक्ट के टीचर्स मुहैया कराने चाहिए। सर, बीजेपी ने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर कि बसों की खरीद का पहले आरोप लगाया था सर, बसों खरीद नहीं हुई, LG ने पटांग बयान दे दिए, उसके बाद सर दूसरी बात आ गई कि शराब घोटाले में आप पार्टी ने अपने नेताओं को ही फायदा पहुँचाया है, ऐसा बार बार सर ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सुन नहीं रहे। लोग गुजरात में इनको प्रचार करना चाहिए, लेकिन गुजरात में जब ये गली में जाते हैं तो अपना पटका उतार के जाते हैं पार्टी का, अपनी टोपी उतार के जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, कहीं जूते चप्पल ना चलाने लगे लोग। तो लोगों के पास तो जा नहीं सकते, जनता के पास तो वोट मांगने जा नहीं सकते, तो अनाप शनाप झूठे आरोप लगा सकते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने तो कल भी कहा है कि भाई अब तो सारे सबूत मिल गए जिस हिसाब से आप कह रहे हो, तो फिर 4 दिन में जेल में डाल दीजिए मनीष सिसोदिया जी को, वो भी उनके बस की बात नहीं। मुख्यमंत्री जी गुजरात जाते हैं, हमारे ऑफिस पे वहाँ पे दफ्तर पे रेड डालते हैं, जब हमने कहा रेड पड़ी है तो कहते हैं हमने कोई रेड नहीं डाली, क्योंकि उनको वहाँ कुछ मिला ही नहीं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे इन्होंने रेड कर ली, वहाँ इनको कुछ नहीं मिला। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप हमारे 4 नेताओं के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं तो सिर्फ एक इंक्वायरी अपने किसी नेता के खिलाफ कर दीजिए, तो 4-1 के रेशो में भी अगर ये इंक्वायरी कर दें तो आपको पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे नेता के यहाँ भी अगर छापा पड़ गया, नोटों के बंडल निकल करके आएंगे। आम आदमी पार्टी खुली चुनौती इनको देती है, जहाँ तक ये जिस एजेंसी को लेकर के जा सकते हैं ये चले जाएं, हमारे जिन नेताओं पे रेड कर सकते हैं कर लें, इनको कभी 100 रुपये का भी नोट बरामद नहीं होगा जो गलत तरीके से कमाया गया। सर, पंजाब के वित्त मंत्री द्वारा अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा खुलासा किया गया
कि बीजेपी द्वारा 25-25 करोड़ रुपया विधायकों को खरीदने के लिए दिया गया और वाई स्लिप के प्रूफ भी विजिलेंस को दिए गए, तो सर वो आप मानते हैं कुछ होगा इसके अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, मतलब मुझे अब इन चीज़ों में खुलासे जैसा अभी नहीं लगता है। हमारे साथी ने वहाँ बताया, बड़ी बात है, हमारे साथी ने ये बताया कि ऐसी कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन लोटस ये हर स्टेट में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अब इनको वोट नहीं देना चाहते, तो ये ऑपरेशन लोटस चला करके स्टेट बाय स्टेट अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये जहाँ कांग्रेस पे ये कोशिश करते हैं वहाँ कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं। गोवा में अभी आपने देखा 11 में से 8 विधायक चले गए। आम आदमी पार्टी पे ये जहाँ कोशिश करते हैं, दिल्ली में इन्होंने ऑपरेशन लोटस की कोशिश की, नाकामयाब हो गए। पंजाब में कोशिश की, नाकामयाब हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बिकने वाले लोग नहीं है, दबने वाले लोग नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है, ये कांग्रेस को खरीद सकते हैं। और इसीलिए हम ये कहते हैं खुल करके कि कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं, उनके उनसे नाराज हैं, उनके खिलाफ हैं, तो एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को मत दीजिएगा, वो देर सवेर बीजेपी के खाते में ही जाता है, उनके विधायक तुरंत बिक सकते हैं। देखिए, पार्टी ने जब से हमारे पार्टी में विस्तार हुआ है तो संगठन को एक बार नए सुनियोजित ढंग से बनाने के लिए पार्टी ने एक कवायद शुरू करी है, और पार्टी हाईकमांड की अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश अनुसार एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने हर नए साथी से संपर्क साध सकें, हम अपने नए हर पुराने साथी से संपर्क साध सकें, और सबको जोड़ के, सबको समझ के, उनसे एक वार्तालाप करके एक संगठन का स्वरूप बनाया जाए जहाँ पर हर किसी को दायित्व उनकी मनमर्जी से उनकी क्षमता के अनुसार दिया जाए। और इसी तहत पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी हैं और हमारे जो प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी और सभी हमारे सीनियर लीडर्स 90 के 90 असेंबलीज के अंदर 2 से 3 मीटिंग्स करेंगे विद इन द ड्यूरेशन ऑफ अ मंथ और 2 मंथ्स, और इसके बाद जो भी वहाँ से फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आएगी उसके तहत पे सबसे बातचीत फ़ोन पे करके नंबर्स पे एक संगठन का निर्माण और पहली लिस्ट जारी करेंगे। मैडम, आप महिला समाज से आती हैं, हाँ जी, महिला समाज को पार्टी संगठन में जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जितना दायित्व अपने घर की तरफ एक महिला का होता है, उतना ही अपने गांव की तरफ, उतना ही अपने समाज की तरफ, और जिस तरह से वो अपना दायित्व घर में निभा सकती है, ऐसे ही वो समाज के हर वर्ग में, राजनीति के हर पहलू में निभा सकती है। क्योंकि आज जो राजनीति है उससे जो निकलेगी नीति, उससे उसके बच्चे का, उसके परिवार का, उसके भविष्य, सबका भविष्य निर्धारित होता है। तो हम समझते हैं कि महिलाओं को इसमें पूरी साझेदारी रखनी चाहिए और पार्टियों को ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा माहौल, ऐसे संगठन में, ऐसे परिवार का माहौल देना चाहिए कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ खुल के उसमें सांझ निभा सकें। मैडम, आप पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी हैं, हाँ जी, उनका फ़ायदा, उनके तजर्बे का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हो सकेगा क्या? बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में उभर के आई? देखिए, 100% उभर के आ रही है, हम तो ये कहेंगे। और निर्मल सिंह जी और उनके साथ ऐसे जितने भी साथी, चाहे छोटा कार्यकर्ता था चाहे बड़ा, हर एक के कंधे से कंधा जब मिलेगा तो हरियाणा में ये बदलाव आप देखेंगे, जो हम देख भी रहे हैं दिन ब दिन, और चुनाव दर चुनाव पीछे निकाय के चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही, जिसने 10.25% के करीब वोट लिया था। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले जिला परिषद चुनाव में ये आंकड़ा हम बेहतर करेंगे, और जैसे हमारा संगठन, हमारी नीतियाँ लोगों तक पहुँचेंगी, आप देखना ये रिजल्ट 2024 तक बिल्कुल ही जो है, आज की जो है, बिल्कुल फेर बदल कर देंगे। महिलाओं की रसोई में सिलेंडर नहीं है और बहुत महंगी रसोई हो चुकी है, नॉर्मल रसोई जो है 20 से 25 हज़ार रुपये महीना पड़ती है। गरीब आदमी के लिए क्या क्या सोचा आप लोगों ने, क्या करेंगे? देखिए, गरीब आदमी कैसे को जोड़ेंगे अपने साथ? देखिए, गरीब आदमी के लिए उनको आज एक उम्मीद की ज़रूरत है, उन्हें जुमलों की और झूठे वादों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2014 से लोग खाते आ रहे हैं, और कहीं इनको पहले शुरू में जो मीठे मीठे वादे करे गए थे 14 में, पहले उनको कड़वी दवाई कहा गया, और आज की तारीख में तो बिल्कुल जहर हो चुका है। रसोई ही महंगी नहीं होगी, आमदन बिल्कुल आपकी घट चुकी है, रुपए की कीमत गिर चुकी है, नौकरी की, डिग्री की, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो चुकी हैं। हम सबसे यही कहेंगे कि आज आप जो है हताश ना हो, आप आज एक भरोसे में रखें और किसी बहकावे में या जुमले में आके अपना वोट ना दें। प्रदेश की जनता जब काम देख के वोट देगी तो आज उनके पास केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हैं, और हमारे प्रूवन और टेस्टेड मॉडल्स हैं, रिजल्ट्स हैं। और आपने जो अब दिल्ली में देखा है कि वो अकेला प्रदेश है देश का जो सब कुछ अपनी जनता को प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी जो है बजट में प्लस में चल रहा है, आने वाले सालों में आप पंजाब में भी यही देखेंगे और हरियाणा भी इसी राह चलेगा।